बाइसेप फ्लेक्स करो, अंगूठा आगे लेके जाओ और तेजी से दो रैप पहला सब्सक्राइब का और दूसरा बेल आइकन का फॉर ऑल द हेल्दी अपडेट्स। रशियन फाइटर पुलअप प्रोग्राम आज का वीडियो है इसके बारे में, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ये रशियन वोडका जितना फेमस नहीं है। रशियन वोडका इज लाइक वे 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 मोर फेमस। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वांट टू नो कि आप में से कितने लोग हैं जो मैक्सिमम 5 पुलअप्स कर पाते हैं, और वो कैटेगरी जो 5 से ज़्यादा पुलअप्स कर पाती है। मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जो आज का वीडियो होगा ये दो टाइप की इंस्ट्रक्शंस में डिवाइडेड है। पहला प्लान है उन लोगों के लिए जो मैक्सिमम 5 कर पाते हैं, और उनके लिए होगा 30-day प्रोग्राम, और जो लोग 5 से ज़्यादा कर पाते हैं उनके लिए होगा 12-day प्रोग्राम। एंड आई कैन गारंटी यू दिस फैक्ट, अगर जो मैं आपको प्रोग्राम बताऊँगा ये दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, इंक्लूडिंग मी, एंड दिस इज़ फिनोमिनल। कितना आपके पुलअप्स इंक्रीज हो गया आई कांट टेल यू, लेकिन कई बार लोग जो 5 वाले होते हैं वो डबल कर लेते हैं एट द एंड ऑफ 30-day पीरियड। तो दैट बिंग सेड, सबसे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर पुलअप किसको कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर से 1-2 inch ऊपर नीचे होते हैं एंड दैट दे कॉल प्रॉपर पुलअप। बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक वीडियो भी था पुलअप्स के ऊपर, यू कैन चेक हेयर उस वीडियो को, लेकिन अभी भी बताता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस सेक कि एक पुलअप कैसे होता है, फिर बात करते हैं कि बेसिकली प्रोग्राम है क्या। रशियन फाइटर पुलअप प्रोग्राम, एक पुलअप करते हैं पहले, ठीक है। तो जो सारे हमारे पुलअप्स होंगे वो डेड हैंग से शुरू होंगे, मतलब बिल्कुल नीचे जाओगे तभी पुलअप्स होंगे। तो एल्बोज अंदर, एब्स टाइट, डिटेल इंस्ट्रक्शन मेरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो अबाउट द पुलअप फॉर्म। लेकिन सवाल अब ये है जिसका ये वीडियो था कि अब पुलअप्स इंक्रीज कैसे किए जाए। तो प्रोग्राम ऐसा है, प्रोग्राम होगा आपको पुलअप्स हर दिन करने, 5 days on 1 day off। पहले मैं 30-day पीरियड की बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके मैक्सिमम पुलअप्स जो एक कर सकते हैं वो 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले दिन क्या करेंगे, आप 5 सेट्स लगाएंगे और रेप स्कीम क्या होगी, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट डे आएंगे, रेप स्कीम क्या होगी, 5 4 3 2 2। नेक्स्ट डे क्या होगा, 5 4 3 3 2। तो अल्टीमेटली जो एंड ऑफ द 5th day होगा रेप स्कीम होगी ये वाली, मतलब 5 4 4 3 2, राइट। तो ये रेप स्कीम होगी 1st week की। अब जो नेक्स्ट वीक में होगा, कंक्लूडिंग वीक्स में, आप क्या करोगे, एक एक बढ़ाते चलोगे। जैसे आपका पहला मैक्सिमम 5 से शुरू था, आप फिर 6 से शुरू करोगे, फिर नेक्स्ट फिर जाएगा आप 7 से शुरू करोगे, फिर आप 8 से शुरू करोगे, फिर 9 से शुरू करोगे। टोटल जाएगा बेसिकली ये फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days, राइट। और आप ये जो रेप स्कीम है ये आप मान लीजिए कि अगर आपके 6 पुलअप्स भी हैं या 7 पुलअप्स भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली मैं वो एडवाइज़ नहीं करूँगा। तो एडवाइस क्या करूंगा कि उन लोगों के लिए जिनके पुलअप्स 5 पुलअप्स से ज्यादा है क्या करना चाहिए, आपको एक तरीका बताता हूं। कम हियर, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, यू नीड दिस वन। अब ये क्या है, इसको डिप बेल्ट बोल लो, आप पुलअप बेल्ट बोल लो। तो इसके लिए थोड़ा जो 12 दिन का एक प्लान होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और डिफरेंट में क्या है कि आप इससे एक वेट हैंग कर लो, ठीक है। आपने इसे वेट हैंग कर लिया, देखो बड़ा सिंपल होता है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं। ये इसका साइज़ आता है, फ्री साइज़ आता है। तो अभी हम जिम में नहीं है, जिम में होता तो आपको मैं वेट बेल्ट लगा के दिखाता, लेकिन ऐसा किया, इसमें बेल्ट डाली और ये कर लिया, ठीक है। वेट आएगा थोड़ा नीचे, हैंग हो जाएगा। तो आपको देखना है ऐसा लोड जिससे आप 3 reps कर सको, राइट, मैक्सिमम 3 reps वाला केस होना चाहिए। और फिर 3 2 1, नेक्स्ट वीक आएगा 4 3 2, इस तरीके से। लेकिन देखो पुलअप्स होने वही चाहिए एकदम डेड हैंग वाले पुलअप्स, ऐसे नहीं कि आप बहुत सारा मोमेंटम यूज़ कर रहे हो, उससे उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर लोड आपका वैसा हो जो इस चीज़ को एसिड कर सके। और एट द एंड ऑफ द 12 days आप देखोगे आपका जो नया पुलअप वो है 1 rep max है वो बढ़ जाएगा, या सॉरी 5 rep max है, 4 rep max है, या जितने पुलअप्स कर सकते हो एक बार ही वो बढ़ जाएंगे। लेकिन एक काम करना, जब 12 days का आपका ये पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद आप कुछ दिन की ब्रेक लीजिएगा, मतलब 2-3 दिन की ब्रेक लीजिएगा, मेक श्योर वेल रेस्टेड, देन गो टू द जिम और फिर ट्राई कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आप जब ट्राई करोगे आपको जो पुलअप्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो कहीं ये वाला पार्ट जो है, ये जो खासकर डिप बेल्ट है,
जो लोग एडवांस ट्रेनीज हैं, आई स्ट्रांगली यू नो रिकमेंड देम कि आप ये यूज़ कीजिए. अमेजोन में बहुत सारे मिलते हैं आराम से, कोई किसी भी अच्छे ब्रांड के ले लो. तो ये आप डिप्स यूज़ कर सकते हो. आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डिप्स करते हैं 15-20 आराम से डिप्स कर लेते हैं, ठीक है. अब तो रेजिस्टेंस डालने की बात आया, तो चेन्स बहुत सारे जीन्स में होती नहीं है, तो ये जो चीज़ है यू नो ये बेल्ट हम आराम से कोई भी यू नो वेट लगा सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली यू नो फ़ायदे उठा सकते हैं इंक्रीज रेजिस्टेंस के. तो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट कि आपको बेसिकली कैसे अपने पुलअप्स बढ़ाने हैं. लेकिन एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी, वो ये है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है टू मास्टर पुलअप्स, वो होता है कि लेस बॉडी फैट मोर स्ट्रेंथ. तो इसलिए अपनी डाइट पे साथ साथ काम करें. जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि कोई एक मैजिकल प्रोग्राम आएगा जो आपके पुलअप्स बढ़ा देगा, क्योंकि अगर बहुत सारा वेट होगा कैरी करने के लिए तो पुलअप्स करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. तो आई होप यू नो यू फाउंड दिस हेल्पफुल. अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक अस, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल दैट गुड स्टफ. I'll see you next time. Till then, bye-bye.